भारत में पहली बार मोटो जीपी मोटरबाइक शो का आयोजन हुआ। बाइक रेस में फाइनल विजेता को सीएम योगी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जी रेस देखने पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने खास बातचीत की, तो लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। जेपी मोटर बाइक रेस का आज समापन हो चुका है। यहाँ पर जो विजेता हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया था। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं इनसे एक एक करके। जी, क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। हाँ सर, योगी आदित्यनाथ। क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा किया एंड 6 साल तक नहीं हो गई है, तो आई थिंक हम हर साल आएंगे। हम देखते हैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत खुशी हुई। योगी जी का जय हो। हम कर्नाटक से शरद है, बहुत अच्छा था, बहुत गर्मी था, बहुत मेहनत हुआ, फिर भी बहुत एंजॉय हुए। वेरी हैप्पी फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मोटो जीपी ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज दी अदर बॉडी इन्वॉल्व। क्या कहना आपको अच्छा इस मोटो जीपी के बारे में? हमारे युवा में जोश आ गया है और थोड़ा मतलब क्योंकि बहुत दिन से खुद सर्किट जो आ जाओ जिस सर्किट में कोई जान नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी समय से 2013 के बाद आज शुरू हुआ है, उसमें थोड़ा यूपी योगी के द्वारा जो भी कुछ हुआ है उसमें थोड़ा जान आ गई है। आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे अच्छी बात तो ये कि हिंदुस्तान में मोस्टर है, इससे अच्छी घर की बात तो हो ही नहीं सकती, और आगे भी मोदी जी की वजह से ऐसी चीज़ होती है। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बाइक रेस मोटर देखने आए थे और इनका कहना है कि हम भी एक दिन बड़े होकर राइडर बनेंगे, और मोदी और योगी ने भारत में पहली बार यह है शो कराया है। सभी लोगों ने मोदी और योगी की और जो जेपी मोटर है इनकी जम के तारीफ की। इनका कहना है कि ऐसे शो होते रहने चाहिए और युवाओं में काफ़ी जोश भी देखने को मिला। रेड अरोड़ा से कैमरा संगीति के संग में परवीन अरोड़ा, ANB।